आज हमारे कमिश्नर ऑफिस को हम आए और कमिश्नर साहब को हमने एक एप्लीकेशन दिया है, दरख्वास्त दिया है। चंद दिनों से हैदराबाद में सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ होती जा रही है और ये सिलसिला चढ़ पड़ा है और इसमें कुछ अपने लोग भी जो कम इल्म है और इल्म से ज़्यादा वाकिफ नहीं है, वो भी हज़रत सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। चुनाचे हाल ही में एक ट्रैवल्स के साहब ने यूट्यूब चैनल पर बड़ी बड़ी बातें कह दी सहाबा किराम के बारे में, हज़रत माविया के बारे में, हज़रत अबू सुफियान के बारे में, और इस अंदाज की गुफ्तगू की जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने आज आकर कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की कि उनके चैनल को बंद किया जाए और उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, और ये भी दरख्वास्त किया है कि जो भी हजरात इस अंदाज की सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करेंगे हम उनके नाम आपके पास देंगे, तो आप उनसे ज़्यादा यानी फौरी एक्शन में ले उनको एक्शन ले, पूरी उन पर एक्शन ले, और उन्होंने इस बात का वादा किया है कि वो इस सिलसिले में एक्शन लेंगे। मैं अवामुन्नास से भी ख्वाहिश करूँगा जो भी सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके उनसे रिश्ता भी रखना हमारे लिए सही नहीं है, और हमारे सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वालों से कारोबार भी करना मेरे लिहाज से सही नहीं है। लिहाजा मैं उन तमाम से ये ख्वाहिश करूँगा कि जज्बात में ना आए बल्कि संभल कर अपने तौर पर ये तय तय कर ले कि ऐसे लोगों से हम एहतियात करेंगे, और मैं हमारे जो भी जिम्मेदार है उनसे भी ये ख्वाहिश करूँगा कि ये मेरी बात को अपने तौर पर भी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, और आप सबका भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा आप सबसे भी कि आप लोग भी अपने चैनल के ज़रिए लोगों को इस बात से आगाह करें। साहब के बारे में नजमुद्दीन जो है वो मैं वाकिफ़ तो नहीं हूं उनसे, एक आध वक्त कहीं मुलाकात हुई होगी, मैं उनके बारे में जानता नहीं पूरी, मगर आज पहली एक वीडियो मेरे पास आई और इसी वीडियो को मैं लेकर हमारे CP साहब से मिला हूँ और उस पर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा हूँ, और ऐसे लोगों से हमारा ताल्लुक हम खुद तय तोड़ लेना, याद रखिए जाहिला है, जोहला से गुफ्तगू भी नहीं करना और जोहला से गुफ्तगू करके अपने वकार को नहीं मुतासिर करना।